हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अल्ताफ शेख। स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल में जिसका नाम है बिगनर टू प्रोफेशनल। दोस्तों कल हमने बात क्या की थी? दोस्तों कल हमने बात ये की थी 24 तारीख के दिन में कि मार्केट अगर इस लाइन को मतलब 35,000 वाली लाइन को अगर ऊपर ब्रेक कर देता है और सस्टेन हो जाता है तो जो हमारा टारगेट होगा 35,500 के आसपास का। और वैसे दोस्तों अगर मार्केट इस नीचे डाउन ट्रेंड वाली जो लाइन है, ट्रेंड लाइन है या 850 वाली, अगर इसको ब्रेक करके नीचे आता है तो हमारा जो अगला टारगेट होगा ये 34,500 के आसपास का होगा। तो और दोस्तों इस बीच में दोस्तों मार्केट में ने ये कहा था कि आपको आज भी पॉसिबिलिटी दोस्तों कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगी 34,500 से लेकर 35,000 के बीच में। तो दोस्तों आज मार्केट देखो खुला है, यहाँ पे दोस्तों गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप ओपन होने के बाद दोस्तों मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो गया कम्प्लीटली, और प्रॉफिट बुकिंग दोस्तों इतने फोर्स के साथ हो गया कि इसने ये नीचे के जो ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक करते हुए डायरेक्टली दोस्तों इसने हमारा टारगेट अचीव कर दिया, जो कि जो बन रहा था दोस्तों हमारा 34,500 के आसपास का। तो दोस्तों ये है टोटली जो कल वाला एनालिसिस जो आज के लिए हमने किया था, जो अभी तक के परफेक्ट साबित हुई है। तो चलिए दोस्तों अभी हम देखते हैं कि कल मतलब कि 26 तारीख के दिन में मार्केट किस तरह का बिहेव कर सकता है। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं पहले हमारे वन डे के टाइम फ्रेम में, ताकि हम कैंडल की पोजिशन देख सकते हैं कि किस तरह का कैंडल बना हुआ है आज के दिन में। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये जो कैंडल जो बना हुआ है यहाँ पे, इस कैंडल को बोलते हैं दोस्तों बेरिश एंगलफिंग। दोस्तों वो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि देखिए इसके पहले की एक ग्रीन कैंडल बना हुआ है और इसके बाद में इस ग्रीन कैंडल के टोटली जो बॉडी है, बॉडी को इस रेड कैंडल ने पूरा का पूरा एब्जॉर्ब कर लिया अपने अंदर। इसका मतलब है दोस्तों कि मार्केट में बेरिशनेस अभी भी बरकरार है। तो दोस्तों कल के दिन में, आने वाले दिन में हमें अलर्ट रहना होगा। वो अलर्ट दोस्तों मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ क्योंकि देखो ये जो अपना डॉजी कैंडल का जो हाई है, ये तकरीबन 35,200 और मान लीजिए 230 के आसपास का, 35,230 के आसपास का ये जो हाई है दोस्तों, जब तक कि ये हाई हमारा ब्रेक नहीं हो जाता है फ्रेंड्स, जब तक ये हाई हमारा ब्रेक नहीं हो जाता दोस्तों, तब तक इस मार्केट में बुलिश सेगमेंट नहीं आएगा। दोस्तों ध्यान से सुनिए दोस्तों, और एक बार मैं आपको क्या बता रहा हूँ, जब तक के मार्केट ये ग्रीन जो हमारा डॉजी है 24 तारीख वाला बना हुआ, इसके हाई को ब्रेक नहीं करेगा, तब तक ये मार्केट में अपसाइड मूव नहीं आएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अपसाइड नहीं आएगा दोस्तों तो क्या आएगा? दोस्तों अपसाइड मूव नहीं आएगा तो दोस्तों ये मार्केट रेंज बाउंड में तकरीबन दो दिन से चल रही है। तो और कल दोस्तों एक्सपायरी के पहले वाला दिन है, तो दोस्तों एक्सपायरी के पहले दिन में दोस्तों अक्सर अगर ऐसा देखा गया है कि अगर मान लीजिए मार्केट वन साइड मूव देती है डाउन साइड में या अपर साइड में, तो जाहिर है कि एक्सपायरी के दिन भी वैसे ही मूवमेंट देगी, क्योंकि दो दिन से दोस्तों अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू मार्केट इसी रेंज में घुमा है 34,500 से लेकर 35,000 के बीच में। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि कल के आने वाली दिन में मार्केट वन साइड हो जाए। और वन साइड दोस्तों कहाँ तक हो सकता है दोस्तों, अगर मैं बताने जाऊँ तो चलिए इसको मैं टाइम फ्रेम को चेंज करता हूँ और चलते हैं हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर, ताकि हम अच्छे से समझ सकें कि मार्केट कहाँ तक के डाउन में या अप में जा सकती है। दोस्तों तो देखिए ये आ गए हम 15 मिनट के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे जैसा कल वाला जो हमने पोजीशन बना के रखा था, ये जो लाइंस वगैरह हैं 34,500 की और ऊपर वाली 35,000 वाली, ये दोस्तों अभी भी ऐसे ही बरकरार है। और इसमें दोस्तों एक और लाइन ऐड हो जाएगी नीचे वाली, ये 34,000 वाली। तो वो मैं क्यों बोल बता रहा हूँ दोस्तों, वो बताने का मकसद दोस्तों मेरा ये है कि आज के दिन में 34,000 पे दोस्तों हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन चुका है डाउन साइड में एज अ सपोर्ट के तौर पर। अगर आप दोस्तों ऑप्शन चेन को आपको रीड करने आता है तो आप समझ जाओगे। वैसे भी दोस्तों मैं अभी आगे आपको बताने वाला हूँ, बट वो समझ लीजिए दोस्तों इतना बात कि 34,000 के लेवल पे आज के दिन में एक मजबूत सपोर्ट बन चुका है मार्केट का। और वैसे ही दोस्तों अगर मैं बात करूँ ऊपर साइड में दोस्तों अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर मैं इसको नीचे लेके आ जाता हूँ। यहाँ पर मान लीजिए फ्रेंड्स ये यहाँ पर 35,000 के आसपास का दोस्तों ये जो लेवल है हमारा, ये स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस का काम करेगा दोस्तों। यहाँ पे भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन गया है दोस्तों, तो कल का जो रेंज दोस्तों जो हमारा बनेगा ये 34,000 से लेके 35,000 का रेंज ये दोस्तों माना जाएगा। और मार्केट एट प्रेजेंट अभी मिडल में खड़ी है, मिडल में इन द सेंस दोस्तों यहाँ पर ये जो इसका क्लोजिंग है दोस्तों 34,700 के आसपास का, 34,700। दोस्तों अगर मैं इंट्राडे की बात करूं दोस्तों, अगर मान लीजिए मार्केट यहाँ पर अगर ऊपर चली जाती है, आप मुझ एक मिनट फ्रेंड्स मैं आपको इसको लाइन ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। तो
तो आपको समझने में आसानी मिलेगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अगर मान लीजिए दोस्तों कल के दिन में मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है, ये वाले लेवल को दोस्तों ब्रेक करती है, 750 वाली लेवल, 34,750 वाली लेवल दोस्तों, 34,750 की जो लेवल है मार्केट, अगर दोस्तों कल के दिन में इसको अपसाइड में ब्रेक करती है तो दोस्तों यहाँ पे हमारा एक कॉल बनेगा और कॉल की जो टारगेट होगी दोस्तों ये बनेगी हमारे 35,000 के रेंज तक, ठीक है फ्रेंड्स। और वैसे दोस्तों अगर मैं बात करूँ डाउन साइड में, मार्केट अगर दोस्तों ये 34,500 को ब्रेक करती है फ्रेंड्स, तो जो हमारी अगली जो टारगेट बनेगी दोस्तों ये बनेगी 34,000, नियर अबाउट 34,000 का हमारा टारगेट बनेगा। यहाँ पे अगर फ्रेंड्स मार्केट इसको ब्रेक करती है अपर साइड में तो अपसाइड मोमेंट है, और वैसे दोस्तों अगर मान लीजिए मार्केट अगर इसको डाउन साइड में अगर ब्रेक करती है यहाँ पर, तो जो लेवल निकल के आ रहा है फ्रेंड्स ये बन के आ रहा है 34,000 का। ये देखिए दोस्तों ये है पूरी कहानी, क्योंकि मार्केट दो दिन से दोस्तों रेंज बाउंड में फेज में चल रही है, तो मे भी दोस्तों कल के दिन में वन साइडेड मोमेंट ऑप्शन बायर के लिए आ सकती है फ्रेंड्स, तो सो अलर्ट रहिए दोस्तों कल के दिन में। सो दोस्तों कल के दिन में अलर्ट रहिएगा ताकि आप समझ सको कि अभी मार्केट आगे क्या कर सकती है। तो दोस्तों अगला मार्केट का टारगेट होगा ये वाली लाइन, मतलब 34,000 की अपनी टारगेट होगी अगली, तो इसी समझ लेते हैं दोस्तों यही बात को। दोस्तों अभी हम ऑप्शन चेन के हिसाब से भी समझ लेते हैं, तो चलिए ऑप्शन चेन की तरफ चलते हैं। दोस्तों ऑप्शन चेन जब तक ओपन होगा तब तक के मैं आपको पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट दिखा देता हूँ आज का, जो मैंने अभी डाउनलोड किया है NSE की वेबसाइट से। दोस्तों इसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि मार्केट में किसने कहाँ कहाँ पर बाई किया। देखिए दोस्तों यहाँ पे सबसे मेन हम जिसे फॉलो करते हैं दोस्तों वो है FII की। दोस्तों अगर कॉल और पुट दोनों पोजीशन अगर मैं देखूँ यहाँ पर और आपको बताऊँ दोस्तों, तो यहाँ पर FII ने और DII ने दोनों ने दोस्तों यहाँ पर ना पुट साइड में और कॉल साइड में दोनों ने बाई किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों इनका मानना ऐसा है कि मार्केट उस लेवल तक जाएगी, जैसा कि दोस्तों मैंने बता दिया है चार्ट में भी और ऑप्शन चेन में भी कि 35,000 का लेवल और 34,000 का लेवल। मुझे लगता है दोस्तों ये दोनों तरफ इन्होंने FII ने बाई किया हुआ है दोनों ही साइड में, तो मतलब कल के दिन में दोस्तों मार्केट को ये दोनों ही साइड में लेके जाएंगे, इसका साफ साफ मतलब ये आता है दोस्तों। और वैसे दोस्तों अगर मैं क्लाइंट की बात करूँ, क्लाइंट मतलब दोस्तों ये रिटेलर होते हैं हम जैसे, रिटेल की दोस्तों अगर बात करूँ तो इन्होंने पुट में ज़्यादा राइटिंग किया हुआ है, इनका मानना दोस्तों ये है कि मार्केट ऊपर जाएगी। और वैसे दोस्तों अगर मैं बोलूँ यहाँ पर, तो FII ने दोस्तों पुट में दोस्तों यहाँ पे बाइंग किया हुआ है, और FII का मानना ऐसा है दोस्तों कि यहाँ पर FII के हिसाब से बताऊँ अगर दोस्तों, तो FII ने बाई किया है पुट में, इसका मतलब दोस्तों साफ साफ ये आता है कि FII का मानना है कि मार्केट नीचे आएगी, और वहाँ पे दोस्तों हमारा रिटेल का मानना ये कि मार्केट ऊपर जाएगी। दोस्तों हमेशा दोस्तों हमें रिटेलर को यहाँ पे फंसाया जाता है, और ये जो पोजीशन जो बनी हुई दोस्तों इसके हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो FII ने यहाँ पे मतलब जो पुट बाई किया हुआ है, और रिटेलर ने दोस्तों यहाँ पे पुट को शॉर्ट किया, मतलब कि वो कॉल साइड में दोस्तों बैठे हुए, तो रिटेलर हमेशा फंसेंगे और FII की हमेशा जीत होगी दोस्तों। दोस्तों तो आ गए हैं हम ऑप्शन चेन में। दोस्तों ऑप्शन चेन हमें क्या बता रहा है, देखिए दोस्तों इस बात को जानना हमें बेहद ज़रूरी है। अभी दोस्तों मार्केट जो खड़ी है 34,700 के आसपास में खड़ी है, और दोस्तों ऑप्शन चेन की अगर बात करूँ मैं, तो हमारा जो सपोर्ट जो बनकर आ रहा है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट सपोर्ट में, अगर मैं देखूं यहाँ पे दोस्तों, तो 34,000 पे दोस्तों 11.7 मतलब कि 11,70,000 हमारे ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे अभी के टाइम पे खड़े हैं, मतलब आज के दिन में। दोस्तों इसका मतलब ये आ रहा है कि 34,000 वाला जो लेवल है ये आज के दिन में दोस्तों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बन गया है हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, मतलब ये कल मजबूत दोस्तों एक हमारा ओपन इंटरेस्ट बन चुका है सपोर्ट के हिसाब से। और उसके ऊपर की दोस्तों अगर मैं बात करूँ, हाईएस्ट जो ओपन इंटरेस्ट हमारा कॉल साइड में जो बन रहा है एज अ रेसिस्टेंट के तौर पर, वो बन रहा है दोस्तों 35,000, 35,000 का जो लेवल है फ्रेंड्स ये हमारा हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बन रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये है कि हमारा जो रेसिस्टेंट और सपोर्ट जो बन कर आ रहा है 34,000 से लेकर 35,000 के बीच में, ये हमारा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंट का लेवल्स निकल के आ रहा है कल के ट्रेडिंग जोन के लिए। और दोस्तों मिडल की अगर मैं बात करूँ, तो ये 34,500 का जो लेवल है यहाँ पे दोस्तों अगर मैं बात करूँ पुट साइड में, तो 11.2 मतलब कि 11,20,000 यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बने हुए सपोर्ट पर 34,500 पर। और उसी के अगेंस्ट में अगर दोस्तों मैं बात करूँ आपको, तो 7.6 ये कॉल साइड में बने हुए ओपन इंटरेस्ट, इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि 7 लाख
60,000 इतने ओपन इंटरेस्ट कॉल में बने हुए और 11,20,000 ओपन इंटरेस्ट बने हुए पुट में। दोस्तों 34,500 पे अगर आप देखोगे तो जो 34,500 पे दोस्तों कॉल और पुट की अगर दोनों की दोस्तों मैं बात करूँ तो यहाँ पे दोस्तों अगर मैं पलड़ा देखूँ अगर यहाँ पे तो पुट साइड लोगों ने मतलब जो पुट साइड की जो साइड है दोस्तों ये काफ़ी मजबूत दिखाई दे रही है अभी के टाइम पर, और कॉल साइड में दोस्तों वीकनेस नज़र आ रहा है मुझे 34,500 पर। तो मार्केट दोस्तों मार्केट ने बिल्डअप किया है दोस्तों 34,000 को भी आज के टाइम आज के दिन में, तो मार्केट दोस्तों 34,000 से लेकर 35,000 के बीच में घूमेगी और बीच में जो हडल का काम है दोस्तों ये 34,500 पे होगा, और यही दोस्तों हमारा की पॉइंट होगा 34,500 कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। तो दोस्तों कल के लिए दोस्तों यही हमें होमवर्क है कि हमें इस 34,500 के ऊपर नज़र रखना है कि मार्केट इसको टच करके अप जाएगा या डाउन आएगा। दोस्तों अगर 35,000 के पास आसपास अगर आपको मार्केट दिखाई देती है तो जाहिर है दोस्तों यहाँ से हमें एक पुट बाय करना है 35,000 के लेवल से। और वैसे दोस्तों अगर मैं डाउन की बात करूँ 34,000 के आसपास में अगर दोस्तों हमें मार्केट कहीं पे नज़र आती है तो हमें दोस्तों यहाँ पे आँख बंद करके हमें यहाँ पे कॉल बाय करना है। और वैसे दोस्तों अगर मैं 34,500 की दोस्तों अगर बात करूँ इसमें अगर दोस्तों ये अपर साइड में अगर हमें दिखाता है मतलब 34,550 वगैरह कुछ ऐसा कुछ शो हो जाता है दोस्तों तो हमें यहाँ पे कॉल बाय करना है, और 34,400 के नीचे अगर मार्केट जाती है दोस्तों तो यहाँ पे हमें दोस्तों पुट बाय करना है। तो दोस्तों ओवरऑल ये है ऑप्शन चेन के नज़रिए से मैंने आपको बता दिया कि कल की मार्केट कैसे रह सकती है। तो चलिए एक बार हम वापस से चलते हैं अपनी चार्ट की तरफ। गाइज आ गए हम अगेन अपनी चार्ट की तरफ। जिस तरह से दोस्तों ऑप्शन चेन बता रहा है हमें उसी तरह से दोस्तों हमें प्राइस एक्शन भी हमें वही इंडिकेट कर रहा है कि कल की मार्केट 34,000 से लेकर 35,000 के बीच में चलने वाली है। और दोस्तों और एक बात यहाँ पे ये है कि ये आइदर मॉर्निंग में ही या तो फर्स्ट हाफ के बाद ये वन साइड मूवमेंट ज़रूर देगा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखिएगा आप। और वन साइड मूवमेंट दोस्तों जहाँ तक कि मेरा अंदाज़ है दोस्तों ये अपने बॉटम को टच करेगा, बॉटम इन द सेंस दोस्तों 34,000 के लेवल को। तो नज़र बना के रखिए दोस्तों, कल वन साइडेड मूवमेंट ज़रूर मिलेगा क्योंकि दो दिन से कंटिन्यू रेंज बाउंड मार्केट चल रही है। तो कल के दिन में मतलब वेडनेसडे वाले डे में वन साइड मूवमेंट मार्केट ज़रूर देगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से बिगनर लोगों को काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। सीखने के लिए अगर दोस्तों काफ़ी कुछ मिला होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए टिंडन गुड नाइट, शब्बा खैर एंड स्वीट ड्रीम्स।